नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने नर्सरी से कुछ नए प्लांट्स लिए, तो उन्हें हमें करना है रिपोर्ट। रिपोर्टिंग के लिए दोस्तों कुछ खास चीज़ें, कुछ सावधानियां, कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, इतनी गर्मी में इन पौधों के लिए हमें सॉयल मिक्स कैसे बनाना चाहिए, सारे इन्ग्रीडियंट्स, तो सभी के बारे में जानेंगे, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और कैसे कैसे हमें स्टेप वाइज रिपोर्टिंग करनी है कि हमारे पौधे अच्छे से चले, हमारे पौधे इस गर्मी में मरे नहीं। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में और हम रिपोर्ट करके भी देखेंगे कि कैसे करना चाहिए रिपोर्ट। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जानकारी जो होती है वो ये है कि हमें सॉयल मिक्स किस तरह से बनाना चाहिए। तो दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सॉयल मिक्स हमारा होना चाहिए वेल ड्रेन और मॉइस्चर होल्ड करके रखने वाला। कहने का मतलब है कि पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, कहीं पानी लगना नहीं चाहिए। पानी जब भी आप वाटरिंग करो तो गमले की सरफेस से पानी ड्रेन हो जाए और नीचे जो ड्रेनेज होल होता है उससे पानी निकल जाए बाहर। तो ये पहली चीज़ होती है। और दूसरी जो खासियत होनी चाहिए मिट्टी की, वो कि मिट्टी में मॉइस्ट बना रहे। तो इसके लिए दोस्तों मैं दिखाऊं आप लोगों को कि ये मेरा नॉर्मल गार्डन सॉयल है और आप देख सकते हैं अच्छी भुरभुरी मिट्टी है ये। इसमें कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं है मिट्टी का, इसको हमने चाल लिया है और चालने के बाद ये मिट्टी मेरी जो पुरानी गार्डन में मैं यूज कर रहा था वही है। और इसमें आप देख सकते हैं कई जगह पर आपको राइस हस्क मिली हुई दिखेगी। तो करीब करीब 50% मैंने इसको ले लिया है गार्डन सॉयल को। इसके अलावा मैंने 20%, चूँकि इसमें कंपोस्ट ऑलरेडी मिली हुई है तो मैंने 20% वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। मैंने आप लोगों को इसको भी कल दिखाया था, तो 20% वर्मी कंपोस्ट ले लिया। वर्मी कंपोस्ट इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी उसे पूरा करने के लिए है। फिर हमने देखी ये लाल वाली सैंड ले रखी है, इसका काम होगा ड्रेनेज सिस्टम मिट्टी का अच्छा करना। मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो रिवर सैंड सफ़ेद वाली होती है, पतले दाने वाली, एकदम महीन वाली, उससे ज़्यादा अच्छी होती है ये मोटी वाली, क्योंकि ये जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी करती है। पतली वाली जो रेत होती है वो बैठ जाती है और उससे मिट्टी जो है गठ जाती है, तो ड्रेनेज सिस्टम उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करना मिट्टी के, सॉयल मिक्सचर के। इसमें जो बड़े टुकड़े हैं उन्हें हम निकाल देते हैं। तो जो सिर्फ सैंड हम लेते हैं, सैंड में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, ये सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम के लिए ले रहे हैं हम। तो हम इसको 10% रखेंगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेंगे। फिर हम आ जाते हैं 15% हमने ले रखा है राइस हस्क। राइस हस्क दोस्तों ये देखिए, ये अच्छे से सड़ी हुई है, मैं पूरी तरह से डिकम्पोज तो नहीं कहूँगा इसे, लेकिन ये काफ़ी मात्रा में सड़ी हुई है और आने वाले कुछ समय में ही ये मिट्टी में मिलकर अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगी। देखिए, जब हम इसे हल्का मसलते हैं तो ये देखिए भुरभुरी हो जा रही है टूट के, तो ये बहुत जल्दी ही मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगी और इसमें से न्यूट्रिएंट्स का भी काम करेगी, ये कंपोस्ट का भी काम करेगी मिट्टी में मिलके। तो इसका काम होता है मॉइस्चर को होल्ड करना, वाटर जो होता है उसे ये होल्ड कर लेता है। तो मिट्टी में मिलने के बाद ये उसमें मिट्टी में नमी बनाए रखता है और ये भी ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करता है। इसके अलावा हम एंटी फंगल प्रॉपर्टी के लिए हम नीम खली लेते हैं, करीब 2 मुट्ठी। तो नीम खली आपको पता है कि ये एंटी फंगल और इसका कंपोस्ट का भी न्यूट्रिएंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए हम 2 मुट्ठी नीम खली ले रहे हैं। और इसके अलावा हम इसमें मिलाएंगे करीब 1 से 2 चम्मच ट्राइकोडर्मा पाउडर। तो देखिए, हमने इसे हल्के से इस पर डाल लिया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाएंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे सबको। तो दोस्तों, इन्हें हमें अच्छे से सबको मिला लेना है, आपस में मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन्हें अच्छे से मिलाएंगे नहीं तो ये जो भी इनकी प्रॉपर्टी है वो यूज नहीं कर पाएंगे, पौधे उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार देखिए, हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी मिट्टी बन के रेडी हो चुकी है। अब इसे हम अपने जो हमारा पॉट साइज़ है, ये 12 इंच का पॉट है, इसमें हम भर लेंगे। तो आधी पॉट को हम इस मिट्टी से फिल करेंगे। ये देखिए, इसको हमने आधा भर लिया है।
अब इसके बाद हम प्रोसेस पे आते हैं नेक्स्ट। वो प्रोसेस है दोस्तों हमारा पौधे को जो जिस ग्रो बैग में हम लेके आए हैं या जिस पॉट में लेके आए हैं उसमें से निकालना। तो ये देखिए ये हमारा टिकोमा का पौधा है, येलो टिकोमा है, तो इसे हम इसमें से इसके पॉट में से निकाल लेंगे। जब भी निकालें तो इसमें हल्की वाटरिंग करके रखें क्योंकि फिर निकालना आसान होता है, और इसे हल्का सा हम एक दो बार थपथपाएंगे कि पौधा इससे बाहर निकल आएगा। अब एक चीज़ जो दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि ये लाल मिट्टी में नर्सरी वाले पौधा लगा के सेल करते हैं, तो हमें क्या करना है, जितनी मिट्टी हो सके उतनी हमें रूट से इस मिट्टी को अलग कर लेना है। तो इसे हल्के हाथों से प्रेस करके रूट्स को डैमेज होने से बचाते हुए इस मिट्टी को हम इससे अलग कर लेंगे। तो ये देखिए जो भी इसका रूट स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये मिट्टी से काफ़ी अच्छे से हमने अलग कर लिया, क्योंकि इसमें वाटरिंग कर देते हैं जब हम तो मिट्टी गीली हो जाती है और रूट को जल्दी छोड़ देती है। तो ये देखिए ये इसका रूट है पूरा। अब दोस्तों इसके आगे हम आते हैं मिट्टी को अलग करने के बाद, मैं इसे साइड कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमने पानी लेना है। ये देखिए हमने एक बकेट में पानी ले लिया है, और इसमें हम ट्राइकोडर्मा कोई भी आपके पास फंगीसाइड पाउडर हो तो इसको हम घोल बनाएंगे और अच्छे से मिला लेंगे। और जो हमारा रूट है इसे हम 2 से 4 मिनट के लिए इस पानी में, जो फंगीसाइड वाला पानी है इसमें हम डाल के छोड़ देंगे। इससे क्या होता है कि जो कोई भी फंगस अगर अटैक होना होता है या फिर फंगस रह जाता है तो वो फंगस पौधे को ख़राब नहीं करेगा, फंगस सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए ये प्रोसेस हमें करना होता है। तो दोस्तों अब देखिए ये रूट पूरी तरह से इस फंगीसाइड वाले पानी में गीली हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप ये देखिए, जो हमने मिट्टी भर के रखी हुई है ये इसके हिसाब से मिट्टी अभी कम है, तो इसमें हम और मिट्टी डाल लेते हैं थोड़ी। ये देखिए इतनी मिट्टी डालने के बाद जो हमारा पौधा है जो हमने निकाल के रखा हुआ है, इसकी रूट्स को चारों तरफ अच्छे से लगाते हुए इस तरह से हम सेंटर में रख लेंगे और इसमें मिट्टी भर लेंगे। और इसे हल्के हाथों से दोस्तों हम इस प्रकार से दबा देंगे ताकि पौधा जो है ये सेट हो जाए, गिरे नहीं। तो ये देखिए ये पौधा हमारा सेट हो चुका है, और बाकी बचे हुए गमले की खाली जगह को भी हम मिट्टी से भर लेंगे। इस प्रकार से हमने पूरे गमले को भर दिया है। अब दोस्तों अगला स्टेप आता है इसमें वाटरिंग करने का। तो वाटरिंग करने के लिए जो हमने फंगीसाइड पाउडर वाला पानी बना रखा हुआ है जिसमें हमने जड़ें भिगोई थी, हम वही पानी इस गमले में फर्स्ट टाइम जब वाटरिंग करेंगे तो वही पानी से वाटरिंग कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो मिट्टी में अगर कोई फंगस रह जाएगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं मैं वही पानी इस गमले में पूरे डाल दे रहा हूँ, और मैं अभी आपको ड्रेनेज सिस्टम भी इस मिट्टी का चेक करा दूँगा। जो भी पानी आपको दिख रहा है ये पानी नीचे चला जाएगा विद इन अ सेकेंड। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार सारा पानी आप देख सकते हैं कि गमले में नीचे की तरफ चला गया है। तो हम इसमें और वाटरिंग करेंगे अभी, क्योंकि हमें जो फर्स्ट टाइम वाटरिंग करते हैं तो हमें चाहिए कि मिट्टी जितनी भी गमले में हमने भर रखी है सारी फर्स्ट टाइम गीली हो जाए और नीचे जो ड्रेनेज होल है उसके रास्ते से पानी निकलने लगे। तो हमने और भी वाटरिंग कर दी है, अभी देखते हैं नीचे से पानी कब तक निकलता है। तो ये देखिए दोस्तों सारा पानी नीचे बैठ चुका है, और जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेनेज होल के रास्ते यहाँ से नीचे से देखिए निकलने लगा है, और ये निकल के आ रहा है। तो अब हम इसे पौधे को जो भी हमने लगा रखा है इसे हम शेडेड एरिया में रखेंगे करीब 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद फिर हम इसे फुल सनलाइट में डालेंगे। 2 से 3 दिन इसलिए रखना है क्योंकि पौधे को शिफ्ट होने में इस
जो सॉइल मिक्स दिया है, पॉटिंग मिक्स हमने लगाया हुआ, उसमें सेट होने में 2 दिन का टाइम लगता है। तो हम इसे पूरी फुल शेडेड एरिया में रखेंगे, धूप में नहीं डालेंगे। जब एक बार पौधा सेट हो जाता है फिर इसे हम फुल सनलाइट में डाल देंगे। तो दोस्तों मैंने एक पौधे को ट्रांसप्लांट करके दिखाया हुआ है कि कैसे हमें ट्रांसफ़र करना चाहिए नर्सरी से लाने के बाद। अगर सभी को दिखाने लग गया तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने एक को दिखाया, बाकी सारे पौधे भी हम इसी तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप भी इसी तरह से अगर पौधे ले आते हैं नर्सरी से तो इस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक भी पौधा आपका ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।